हाय, वेलकम टू माय चैनल ज्योति एजुकेशन सेंटर। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के सेकंड पार्ट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर तक पढ़ लिया था, तो उसी स्ट्रक्चर में कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो उसका थोड़ा सा रूल ब्रेक करते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे हु, विच और हाउ, मैंने इन सब के बारे में बताऊंगी। इसके बाद कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम जनरली कर जाते हैं, और इसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शन के साथ। सबसे पहले मैंने एक्सेप्शन में लिया है हु। हु में क्या एक्सेप्शन होता है? इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। मैंने दो तरह के आपको एग्जांपल बताए हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि जब बिफोर लगाते हैं तो कौन सा सेंटेंस बाद में आता है, कौन सा पहले आता है, ऐसी आफ्टर में कौन सा पहले, कौन सा बाद में। प्लस स्ट्रक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था हम कैसे देखते हैं कौन सा परफेक्ट में बनेगा। परफेक्ट मीन्स पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि दो पास्ट में हमारे एक्शन हुए तो सबसे पहले जो पास्ट में हुआ वो परफेक्ट और उसके बाद जो हुआ वो इनडेफिनेट, इसलिए टेंस को बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। तो वो कॉन्सेप्ट आए हो आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो मेरी लास्ट वीडियो में जाकर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस टॉपिक पे जाकर आप वो क्लियर कर सकते हैं। टीचर की क्लास में आने से पहले कौन जा चुका था? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसी के जाने की, फिर टीचर के आने की, यानी कि ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट और ये हो गया हमारा इंडेफिनिट में। तो पहले में मैंने आपको बताया था जहां बिफोर यूज होता है पहले, जो वर्ड यूज होता है उसमें परफेक्ट का पहले बनाते हैं, और जिसका पहले बनाते हैं वही क्वेश्चन वर्ड, उसी को ही हम इंटरोगेटिव बनाते हैं, और बाकी जो सेकंड सेंटेंस होता है उसको हम अफर्मेटिव में बनाते हैं। दोनों इंटरोगेटिव या दोनों नेगेटिव हम नहीं बनाते। तो ऐसे स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर में मैंने इसको डिटेल में बताया है। तो पहले कौन जा चुका था, कौन जा चुका था, हु हैड गॉन। परफेक्ट वाला पहले बनेगा तो इंटरोगेटिव भी परफेक्ट में ही लगेगा। हु हैड गॉन, हु इसके बाद हैड, और हैड के बाद जनरली क्या आता था, सब्जेक्ट। लेकिन हु में सब्जेक्ट होता ही नहीं है क्योंकि हम सब्जेक्ट को ही क्या बना लेते हैं, क्वेश्चन। ठीक है, तो अब जैसे राम हैड गॉन, इस टाइप से हमने क्वेश्चन बना लिया तो हु में कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। हु हैड गॉन, कौन जा चुका था, हु हैड गॉन, यहां तक हो गया हैड, और इसके बाद क्या आएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट हम नहीं लिखेंगे। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट में, और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो वो भी लिखते नहीं है तो नहीं लिखते इसमें। बिफोर पहले का लग गया बिफोर, अब नेक्स्ट वाला किसमें बनेगा, इंडेफिनेट में, अफर्मेटिव में। एक ही बार में इंटरोगेटिव यूज करना है। टीचर के क्लास में आने से पहले, यानी टीचर क्लास में आई तो बिफोर द टीचर के, और ऑब्जेक्ट इन द क्लास, तो इस टाइप से ये बनता है। अच्छा, अब एक आफ्टर वाला सेंटेंस देख लेते हैं। मेरे जाने के बाद तुम्हारे घर कौन आया? अब सबसे पहले इसमें छांटते हैं परफेक्ट कौन सा, इंडेफिनिट कौन सा। तो पहले कौन सा एक्शन पास्ट में हुआ है, मेरे जाने के बाद, यानी पहले मैं गया तो ये वाला एक्शन हमारा पास्ट में हुआ है। उसके बाद मैं बात कर रही हूँ घर आने की, पहले मैं चली गई थी, उसके बाद कौन आया घर, तो ये वाला बनेगा हमारा इंडेफिनिट में। और आफ्टर में हम हमेशा इंडेफिनिट वाला सेंटेंस पहले बनाते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड भी उसी में ही हम लगाएंगे। तुम्हारे घर कौन आया, हु केम टू योर हाउस, हु के बाद। अच्छा, आप देखिए यहां पर हो गया, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं होता, और हु वाले सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट पे मैंने एक्सेप्शन में आपको बताया भी था, हु में हम अफर्मेटिव और नेगेटिव की तरह एक्ट करता है, होता वो इंटरोगेटिव है, यानी कि सेकंड फॉर्म लगती है जो कि अफर्मेटिव में ही लगती है। हु केम, कम की सेकंड फॉर्म केम टू योर हाउस, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। आफ्टर इसके बाद परफेक्ट में बनेगा, परफेक्ट में भी अफर्मेटिव में बनेगा, आई हैड गॉन, मैं चला गया था तुम्हारे घर, कौन आया, हु केम टू योर हाउस, आफ्टर आई हैड गॉन। मैं फिर बोलूंगी अगर आपको इसके स्ट्रक्चर में डाउट है तो मेरी फर्स्ट वीडियो में जो पास्ट परफेक्ट टेंस की फर्स्ट पार्ट है उसमें स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस आप करिए, मैंने वन बाय वन आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव, उसमें से ये कुछ एक्सेप्शन है। अच्छा, अगर मैं इसमें नेगेटिव लगा लूं, टीचर के क्लास में आने से पहले कौन जा चुका था, मैंने आपको क्या बताया था, इंटरोगेटिव में अगर मैं नेगेटिव का यूज करना होता तो सब्जेक्ट की बात करते, लेकिन अगर सब्जेक्ट है ही नहीं जैसे कि हु वाले तो उसमें डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब की बात दिया जाएगा, ऐसे इसमें। अच्छा, ये वाला बाद में देखते, पहले ये, टीचर के क्लास में आने से पहले कौन नहीं गया था या कौन नहीं जा चुका था, तो हु हैड नॉट गॉन, सिंपल, हु हैड नॉट गॉन बिफोर द टीचर केम इन द क्लास।
लेकिन अब इसमें देखिए, मेरे जाने के बाद तुम्हारे घर कौन नहीं आया था, मतलब आने वाले थे बहुत सारे जन, इसमें से कौन नहीं आया? ठीक है, अच्छा तुम्हारे घर कौन नहीं आया? अब आप सोच रहे हो हु केम नॉट, सिंपल नो। जब भी नेगेटिव आता है तो पास्ट इंडेफिनेट में हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो हाइड होती है वो सामने आ जाती है नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। तो अब ये नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा, तो यानी कि फर्स्ट फॉर्म हु डिड नॉट यही होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट तो है ही नहीं, वरना सब्जेक्ट लगाते डिड के बाद उसके बाद नॉट लगाते। तो हु डिड नॉट कम, हु डिड नॉट कम टू योर हाउस आफ्टर आई हैड गॉन, सिंपल। आपको बस स्ट्रक्चर में लर्न रखना है। अब देखते हैं कुछ वर्ड, विच, हूज, हाउ मच, हाउ मेनी। देखिए इसमें क्या एक्सेप्शन होता है, इसमें सब्जेक्ट का नहीं होता, इसमें सब्जेक्ट कभी कभी नहीं होता लेकिन जनरली होता भी है। तो देखिए इसमें हम देखते हैं, टीचर के जाने के बाद उसने किसकी किताब चुराई थी। अब आपको बिफोर आफ्टर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत बार आपको बता दिया, और ये भी क्लियर हो गया होगा कि जो दोनों सेंटेंसेस है कब परफेक्ट बनेगा कब इंडेफिनिट बनेगा, और उसके बाद हमें क्या देखना है, इंडेफिनिट पहले आएगा या परफेक्ट। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, टीचर के जाने के बाद उसने किसकी किताब चुराई, तो हूज बुक। लेकिन मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चन वर्ड है उसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन इसके बाद तो एक वर्ड आ गया। जी हाँ, यही इसमें एक्सेप्शन है, जो ऐसे होते हैं विच, हूज, हाउ मच, हाउ मेनी, ऐसे जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो कभी भी अकेले नहीं रहते, वो अपने साथ अपने से रिलेटेड नाउन को, या फिर हम कह सकते हैं जो उससे रिलेटेड वर्ड होता है उसके साथ जो लगा होता है उसको भी लेके पूरा ही क्वेश्चन वर्ड बना लेते हैं। यानी कि हूज बुक ये पूरा एक क्वेश्चन वर्ड है, कितना काम, हाउ मच वर्क, ये पूरा एक क्वेश्चन वर्ड है, इसके बाद हम फॉलो करेंगे रूल। तो हूज बुक डिड, इसके बाद क्या लगता है, क्योंकि पहले हमने बाद है, आफ्टर है, तो आफ्टर में इंडेफिनेट पहले लिखना होगा, और इंडेफिनेट कब बनाते हैं, जो एक्शन पास्ट बाद में हुआ है और पहले वाला परफेक्ट में। तो उसने किसकी किताब चुराई, टीचर के जाने के बाद, टीचर पहले गई होगी और किताब बाद में चुराई होगी, ठीक है। तो किताब चुराना मतलब बाद में हुआ होगा, तो हम पहले इसकी बनाएंगे, Whose book, किसकी किताब, यानी कि ये पूरा हमारा क्वेश्चन वर्ड बन गया जो उसमें एक्सेप्शन है। Whose book did he steal, चुराने की होती है steal, did he steal, ठीक है। यहां तक हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, और बाकी बचा हुआ पार्ट हमें यानी परफेक्ट को हमें अफर्मेटिव में बनाना है, बिफोर टीचर के जाने के बाद टीचर हैड गॉन, क्योंकि इसमें हैड का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब का, और थर्ड फॉर्म यूज होती है। इसी तरह से अभी देखिए, मेरे आने से पहले उसने कितना काम किया था, तो पूरा क्वेश्चन वर्ड क्या बन गया, ये कितना काम। अच्छा, लेकिन इसके साथ आप एक देखिए, इसमें हाउ मच भी कितना होता है, हाउ मैनी भी, तो हाउ मच लगेगा हाउ मैनी, जैसा कि मैं अब तक बताती आ रही हूँ, मैंने ज्यादातर एग्जाम्पल हाउ मैनी के दिए थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हाउ मच ले दिया। अच्छा, जो वर्ग होता है उसको हम कोई काउंट कर सकते हैं, एक वर्ग, दो वर्ग, थ्री वर्ग, फोर वर्ग, नो, तीन वर्ग, नहीं काउंट कर सकते ना फिंगर्स पर, तो इसलिए हम हाउ मच यूज कर सकते हैं। काउंटेबल आइटम के साथ हम हाउ मेनी यूज करते हैं, और अनकाउंटेबल आइटम्स के साथ हम हाउ मच यूज करते हैं, और वर्ग क्या है वो अनकाउंटेबल, हम ऐसे नहीं कह सकते टू वर्ग, थ्री वर्ग से नहीं कह सकते हम। तो हाउ मच वर्क, इसलिए मैंने यहां लिखा है हाउ मच वर्क, जो कि एक क्वेश्चन वर्ड है, हाउ मच वर्क, इसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, हैज ही डन, क्योंकि ये बिफोर है तो उसमें परफेक्ट वाला पहले बनेगा, और परफेक्ट वाला कौन सा, कितना काम, मैं बाद में आया हूंगा पहले, और उसके होने से पहले ही मैं कितने काम करने की बात कर रही हूँ। हाउ मच वर्क हैज ही डन बिफोर आई केम। अब देखते हैं कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो जनरली हम कर जाते हैं। सबसे पहले है टेंस की मिस्टेक, जैसा कि मैंने बताया था बिफोर या आफ्टर किसी भी सेंटेंस में हमको परफेक्ट कहाँ लगाना है और पास्ट इंडेफिनिट कहाँ लगाना है, हम अपोजिट भी कर जाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में मैंने आपको डिटेल में बताया है, तो उसी बेस पर मैंने कुछ ये सेंटेंसेस लिखे हैं, देखते हैं आप पहचान पाते हैं। यानी आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क बिफोर यू हैड कम, इसमें क्या मिस्टेक है, मैंने क्या कहा था, एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनता है और एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, इसमें मैंने दोनों ही पास्ट परफेक्ट में बना दिए, तो बिफोर में फर्स्ट वाला पास्ट परफेक्ट में बनेगा क्योंकि वो काम पहले हो चुका है। बिफोर यू हैड कम इज रॉन्ग, यानी कि बिफोर यू तो सही था, यू कम, इस टाइप से
यानी कि हम कह सकते हैं ये वाला सेंटेंस हमने रॉन्ग लिखा था, ये वाला हमने राइट बिफोर यू के. अच्छा एक आफ्टर वाला, द पेशेंट हैड ईटन द फूड आफ्टर द डॉक्टर वेंट. डॉक्टर के जाने के बाद पेशेंट ने खाना खाया, तो पेशेंट ने जो खाना खाया था वो इंडेफिनिट में होना चाहिए क्योंकि डॉक्टर के जाने वाला काम उससे पहले हो गया. इतना कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया. और आफ्टर में हम इंडेफिनिट वाला पहले लिखते हैं और परफेक्ट वाला हम बाद में लिखते हैं. तो इसमें लेकिन मैंने क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है. आफ्टर में विषय इंडेफिनिट वाला पहले लिखते हैं, तो पेशेंट ने खाना खाया ये वाला काम बाद में हुआ था, तो पेशेंट, देखिए मैंने यहाँ पर भी सही करा है, पेशेंट एट द फूड आफ्टर द डॉक्टर है गॉन. तो ये वाला गलत था और ये वाला सही था. ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक हम कर देते हैं. वर्ब में क्या हो जाती है मिस्टेक, जनरली हम एक में थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इंटरोगेटिव या नेगेटिव में, और पास्ट इंडेफिनिट में हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और अफर्मेटिव में सेकंड. लेकिन हम लिखते लिखते कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज पर आपको जरूर ध्यान रखना है. देखिए ये देखने में भी सही लगते हैं, डिड द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, मैंने यहाँ पर ये लगा दिया है, यानी कि इसमें सब में ही थर्ड फॉर्म लगती है. लेकिन इंडेफिनेट में तो थर्ड फॉर्म नहीं लगती ना, इंटरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म लगती है, मैंने गलती से यहाँ थर्ड फॉर्म लगा दिए. तो डिड द पेशेंट डाइड, इसका आपको ध्यान रखना है, ये बोलने में भी सही लग रहा है डिड द पेशेंट डाइड, तो हम इस पर ध्यान नहीं देते, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, छोटी सी जो हम ध्यान नहीं देते. तो डिड द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन. तो इस टाइप की कुछ कॉमन मिस्टेक्स आई होप अब आप नहीं करेंगे. और फिर भी अगर आपको इसमें कंफ्यूज होना तो आप स्ट्रक्चर पर जाइए, वहां से आप ये इजीली अपने आप सॉल्व कर सकते हैं. मैंने यहाँ 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, इसमें से आपको मिस्टेक्स फाइंड करना है और सेंटेंसेस को करेक्ट करना है. तो सबसे पहले पॉज माई वीडियो फॉर 5 to 10 मिनट्स, अपना पूरा टाइम लीजिए जितना आपको लगता है और खुद ही ये सॉल्व कीजिए, इसमें से खुद मिस्टेक फाइंड कीजिए, उसे करेक्ट कीजिए, देन जो मैं यहाँ पर बताती जाऊँ उससे मैच कीजिए कि आपकी कितनी सही है, और जो भी मिस्टेक्स हैं आपकी उसको समझिए जो मैं बता रही हूँ कि ये मिस्टेक आपने क्यों की, अगर आप नहीं सही कर पाते हैं. और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो मेरी प्रीवियस वीडियो पर जाके आप स्ट्रक्चर देखिए, क्योंकि ये सारी मिस्टेक स्ट्रक्चर के फॉर्म पर ही बेस्ड है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप पहले वीडियो पॉज करिए, सेंटेंस नोट करिए और देन मिस्टेक करिए. और आई होप अब मैं बताने जा रही हूँ, आपने ऐसा करके आप मैच कर रहे होंगे. Had we not reached the station before the train had arrived, तो before मैं सबसे पहले use होता है past perfect का, फिर past indefinite का. Structure में मैं बता चुकी हूँ ऐसा क्यों होता है, past of past पूरे introduction में मैंने बताया था past perfect क्या होता है. तो अगर आपको confusion है तो आप जाइए मेरे previous video में. तो मैंने इसमें ये भी बताया था, तो past indefinite में बनता है before के बाद, लेकिन ये तो हमने past perfect में बना दिया, यानी कि ये wrong, ये यहाँ से had हट जाएगा. बिफोर द ट्रेन सेकेंड फॉर्म लग जाएगी arrive, ठीक है, और इसके बाद अफर्मेटिव में ही बनता है. Had the sun not rise after Ram bath, अभी after वाला है, लेकिन after वाले में क्या होता है, पहले हम indefinite वाला लिखते हैं और फिर perfect वाला, लेकिन हमने यहाँ उल्टा कर दिया है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले perfect indefinite वाला, और indefinite की क्या होती है, did. Did the sun not rise, ठीक है, did the sun not rise after Ram had, क्योंकि यहाँ पर हम perfect वाला यूज करेंगे, Ram had bath. Did the sun not rise after Ram had bath. Did you complete all the arrangements before the guest had come, अब ये भी wrong है. Before वाले में पहले क्या करते हैं, perfect, लेकिन मैंने यहाँ भी opposite कर दिया, तो had you, और यहाँ पर third form, had you completed all arrangements before the guest, past indefinite में, before the guest came, इस टाइप से देखिए, had you completed all arrangements before the guest came, why had you wrote a letter before I slept, तो before वाला तो सही है, past indefinite में affirmative है, और question word भी ये भी सही है, हमने past perfect use किया है, question word इसी के साथ लगाया, तो इसमें mistake क्या हुआ. और थर्ड फॉर्म लगाइए, तो क्या ये थर्ड फॉर्म है, राइट, रोट, रिटेन, इरेगुलर वर्ब्स में मैंने आपको बताया था बहुत ही कॉमन वर्ब होती है ये, तो रिटेन. व्हाई हैड यू रिटेन अ लेटर बिफोर आई स्लेप्ट, बहुत छोटी सी मिस्टेक थी. अच्छा आप लोग बताइए किस किस ने मिस्टेक फाइंड कर ली थी, इसका मतलब आप बिल्कुल सीख चुके हो ये सारी मिस्टेक जो जो फाइंड करता जा रहा है. द थीफ हैड नॉट रन अवे बिफोर द पुलिस नोट के,
तो इसमें हैड नॉट रन अवे, ये बिल्कुल सही है क्योंकि पास्ट परफेक्ट यूज होता है बिफोर वाले में पहले और फिर बिफोर द पुलिस नॉट केम। लेकिन मैंने क्या बताया था, नेगेटिव केवल एक ही जगह ही लगेगा ना, जहां शुरुआत में, तो ये नॉट कैसे लग गया, बिफोर द पुलिस केम। अब ये वाला सेंटेंस सही है, द थीफ हैड नॉट रन अवे बिफोर द पुलिस केम। और इसी के साथ पास्ट परफेक्ट आपका फिनिश होता है। फिर भी अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मेरी मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं अब तक की किसी भी वीडियो में आपको डाउट है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। जैसी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा यूट्यूब पर, अगर आपने बेल आइकन बटन प्रेस कर रखा है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्रेस द लाइक बटन। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद अ न्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।